Welcome students, I'm the teacher of Supreme Education School System. I hope all of you are fine at home. So students, you know virus is spreading all over the world, so you have to keep clean yourself, you have to stay home. So students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, जिसके बारे में हम पहले भी एक दफ़ा पढ़ चुके हैं, गो थ्रू हो चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सा और ट्रिकी सा है. पहले हमें वैल्यूज दी होती थी, लेकिन अब हमें वैल्यूज नहीं है. तो हम टॉपिक अपना देखते हैं. टॉपिक क्या है? अगेन सब्ट्रैक्शन, पेज नंबर 73 मैथ्स, पेज नंबर 73 सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस करना, कम करना किसी भी वैल्यू में से, किसी भी जितनी आपको रिक्वायर्ड नहीं है उस चीज को निकाल देना, हमारा क्या कहलाता है? सब्ट्रैक्शन. तो क्वेश्चन नंबर 73 में पार्ट ए तो सोल्व था, लेकिन पार्ट बी अब हम सोल्व करते हैं कि पार्ट बी में वो हमें क्या कह रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. देयर आर 14 चिल्ड्रन इन आवर टीम. एक टीम है जिसमें 14 चिल्ड्रन है, 14 चिल्ड्रन है. 8 ऑफ देम आर बॉयज. उस 14 में से 8 जो है वो लड़के हैं, बॉयज हैं. हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन अ टीम. तो उस टीम में कितनी लड़कियां हैं. तो हमने सिंपली क्या करना है, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 14 चिल्ड्रन इन द टीम. पहले उन्होंने क्या कहा, कितने चिल्ड्रन है? 14. तो वी जस्ट हैव टू राइट 14 देयर. 1 4 14. 8 ऑफ देम आर बॉयज. और उसमें कितने बॉयज है? 8 बॉयज है. तो 4 के नीचे हमने 8 लिख देना है, क्योंकि देखें मैंने आपको पहले बताया था कि टेंस का पोर्शन है और ये वंस का पोर्शन. 14 हमारे टोटल चिल्ड्रन है. 8 ऑफ देम आर बॉयज. 8 मीन्स सिंगल. ये सिंगल है ना, अगर तो इसके 18 होता तो ये टेंस होता है, ये वंस होता है. लेकिन अब ये सिंगल है तो यहाँ पे कोई टेंस नहीं है. इट्स मीन्स ये वंस है, तो ये वंस वाले के नीचे आएगा. मीन्स ये 4 के नीचे हम लिख देंगे 8. हमारे पास कितने चिल्ड्रन है? 14 चिल्ड्रन है. और 8 इसमें से हमने क्या करने हैं? माइनस करने हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि हमारे पास कितने गर्ल्स हैं. तो अब सिंपली हमने क्या करना है कि अब हमारे पास 14 चिल्ड्रन थे, जिसमें से 8 हमारे क्या थे? बॉयज और गर्ल्स. अब हमने फाइंड करनी है कितनी है. तो सिंपल हमने एक 14 की टीम बनानी है. इट्स मीन इट्स अ टीम. ये टीम है जिसमें से ये 8 बॉयज है. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये हमारे पास 8 बॉयज है, और ये टोटल अगर इसके साथ हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास 14 पेंसिल्स है. इट्स मीन दैट ये 14 की एक टीम है. ये 14 पेंसिल्स की एक टीम है, जिसमें से हमने 8 माइनस करना है और फाइंड आउट करना है कि अब हमारे पास कितनी गर्ल्स वापस रह गई हैं. तो लेट्स स्टार्ट. 14 में से हम 8 बॉयज को माइनस करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये हमने क्या किया? 8 बॉयज को हमने माइनस कर दिया. तो ये बॉयज वाले पेंसिल्स को हम एक साइड पे रख देते हैं. अब हमारे 8 में से अब कितनी पेंसिल्स, 14 में से 8 बॉयज निकाल दिए, अब हमारे पास कितनी गर्ल्स बची है? 1 2 3 4 5 6. हमारे पास कितनी गर्ल्स बची हैं? 6. तो आवर आंसर इज 6. इट्स इजी. इसका एक दूसरा तरीका भी है कि अगर आप पेंसिल से नहीं कर रहे तो वो कैरी का तरीका है कि उसको हम किस तरह से कर सकते हैं. तो हमने सिंपली अब दूसरे तरीके से करते हैं. दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि ये 4 है और ये 8 है. पहले हम वंस का पोर्शन लेते हैं, टेंस का नहीं. पहले हम टोटल टेंस के साथ किया, 14 में से 8 माइनस. लेकिन अब हम वंस का अलग और टेंस का अलग. अब ये 4 है और 8 है, क्या 8 में 4 में से 8 निकल सकते हैं? अगर आपके पास 4 चॉकलेट्स हो और मैं आपको कहूं कि 8 चॉकलेट्स चाहिए, तो क्या आप दे पाएंगे? नहीं. अगर 8 हो तो 4 दे सकते हैं, लेकिन 4 हो तो 8 नहीं दे सकते. तो सिंपली हमने ये 1 यहाँ पे कैरी कर लेना है. ये 1 को यहाँ से कट किया और ये 1 4 के साथ लगा दिया. तो ये क्या बन गया? 14. अब हमने 14 में से 8 माइनस करना है. सिंपल वही पेंसिल का तरीका हमने जो यूज किया. 14 में हमारे पास चिल्ड्रन आ गए, उसमें से 8 बॉयज हमने माइनस कर दिए, तो हमारे पास क्या बचा?